365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत में जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति में है उसी को मद्देनजर रखते हुए धनबाद एसएसपी किशोर कौशल ने धनबाद में रणधीर वर्मा चौक में बिना मतलब के घूमते हुए लोगों को कहा गया कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जिसमें कई पुलिसकर्मी को भी डांट लग गई। एक पुलिसकर्मी जो बिना हेलमेट पहने अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे उन्हें धनबाद एसएसपी ने काटा चालान और वह पुलिस वालों को चालान भरना पड़ा। खबर 365 न्यूज के लिए धनबाद से अकरम रजा की रिपोर्ट। खबर 365 न्यूज़ और मैं हूं अकरम रजा। दर्शकों, खबरों की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अपील करता हूं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। चलिए चलते हैं खबर की ओर, जहां एक जगह धनबाद में लॉकडाउन का 20वां दिन है आज पालन किया जा रहा है बखूबी, बहुत अच्छे से, वहीं इसकी सख्ती भी बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं जो धनबाद की सड़कों पर जो नज़ारा है, यहाँ पे काफ़ी सख्ती से पालन किया जा रहा है। सड़कों पर प्रशासनिक अधिकारी उतर कर अपने जनता से अपील कर रहे हैं कि वो सड़कों पर न निकले, ज़रूरत के सामानों के लिए सड़कों पर आएं, वरना घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी मुहिम को लेकर आज धनबाद की सड़कों पर काफ़ी प्रशासन के जरिए से लोगों को काफ़ी समझाया जा रहा है कि सड़कों पर न निकले और इस चीज़ का बाखूबी अच्छे से पालन करते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि किस तरह का यहाँ पे नज़ारा है। और मेरे साथ चलिए, मैं और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको भी दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, ये धनबाद के रणधीर वर्मा चौक, जहाँ पर एक समय में काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका हुआ करता था और आज काफ़ी सन्नाटा है, माहौल है, लेकिन जिला प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को समझाया जा रहा है कि लॉकडाउन का बाखूबी अच्छे से पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को आगे सुरक्षित रखें ताकि हमारा देश कोरोना से जीत सके। यही मुहिम को लेकर आज धनबाद की सड़कों पर मैं अकरम रजा खबर 365 न्यूज़ के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि आप देखें कि यहां पे किस तरह का नज़ारा है। और मैं मौजूद हूं यहां पे और रणधीर वर्मा चौक पे, जो कि प्रशासनिक अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, एसपी, एसएसपी मौजूद हैं और वो अपने कार्य को लेकर काफ़ी सतर्क दिख रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कराते हुए लोगों को काफ़ी अच्छे से पालन कराते हुए दिख रहे हैं।